खमागणी सा मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित आप सगला रो घने मान सु स्वागत करू खबर राजस्थान री माए एक नजर जो आज री मेहताओ और मोटी खबर माथे दिल्ली दौरे माथे सीएम राजे आज जावड़ेकर रे घरा भेरियो है टिकटा सारू मंथन काल अमित शाह रे सागे हुएली बैठक कांग्रेस माए भी चाल रही है टिकटारी माथा पची मोटा नेता कर रहा है अलग अलग बैठक सचिन पायलट बोलिया राजस्थान में चाल रही है कांग्रेस री लहर जैसलमेर रे डाबला गांव रे कने पलटी सैलानिया सू भरी कार हादसे माए 8 लोग विया घायल जिन माए 3 बच्चा और 3 लुगाया शामिल डूंगरपुर रे अंतर सोभा गांव माए 40 सू बता टावर गया फूड पॉइजनिंग रा शिकार मृत्यु भोज में खायो हो खानो 5 बीकानेर माए होया वना शिकार बीकानेर माए वे इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल री शुरुआत घनी संख्या में शामिल वेया देशी और विदेशी कलाकार 13 नवंबर तक चालेला ओ कला रो उत्सव और अब बात करा टिकटा रे काउंटडाउन री तो बीजेपी में टिकटा सारू महामंथन लगभग अंतिम दौर में चल रहे है दिल्ली में चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर रे घरा बीजेपी कोर कमेटी री अहम बैठक हुई जिनमें सीएम वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी रे साथ अविनाश राय खन्ना अशोक परनामी चंद्रशेखर वी सतीश अर्जुन मेघवाल गुलाब चंद कटारिया राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है जब बैठक सु सीएम राजे निकली तो मीडिया कर्मियों से मजाक करता बोली कि लंच करने जा रही हूँ बैठक छोड़ने नहीं जा रही हूँ एड़ा में कोई गलत खबर मत चला दीजो बताया जा रही है कि देर शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सु भी सीएम राजे री मुलाकात वेला और टिकटा माथे राय मसरो वेला काले बीजेपी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक होवेली तो बीजेपी में टिकटा सारू महामंथन रो अंतिम दौरो कहज रो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से ती घना मोटा नेता ठे मौजूद है और लगातार महामंथन वेरियो है अलग अलग बैठक हुए या अलग अलग चरणा में टिकटार्थ्यारे सारू महामंथन वियो है और आज लाग रो है कि जठे भी जितनी सगड़ी बैठक हुई विनो सारांश आज निकल सी आज मोटा नेता मेहताऊ नेता एक जगह बैठ रहा है प्रकाश जावड़ेकर घर बैठक चल रही है इन खबर में ते ज्यादा जानकारी सारू सीधा चला दिल्ली जठे अदिति नागर माणेसा के जुड़ गई है अदिति बताओ आज इस बैठक में अभी तक क्या निकल के सामने आया टिकट वितरण को लेकर अभी तक जितनी भी बैठकों का दौर हुआ है अब ये आखिरी चरण की बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण बात तब होगी जब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और जिसका इंतजार शाम 7 बजे तक करना पड़ सकता है जी। अभी जो बैठक प्रकाश जावड़ेकर जो की चुनाव प्रभारी थे जिनके आवास पर हो रही है ये सारे वो लोग हैं वो जो कई बार राजस्थान में अलग अलग जगह खासतौर पे जयपुर में ये लोग कई बार कई दौर की बैठकें कर चुके हैं इसमें ओम माथुर मौजूद है सीएम वसुंधरा राजे खुद मौजूद हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत अर्जुन राम मेघवाल से लेकर राजेंद्र राठौड़ अशोक परनामी से लेकर तमाम वो लोग हैं जो कई बार जयपुर में बैठ चुके हैं कई लंबी मैराथन बैठकें कर चुके हैं और वही बैठक आज आखिरी दौर की दिल्ली में हो रही है लेकिन ये वो तैयारी है जो अमित शाह के सामने पेश होने से आखिरी मिनट जो तैयारी होनी है सबसे महत्वपूर्ण वो लम्हा होगा खासतौर पर उन 200 प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत अब खुलने वाली है या जिनकी टिकट कटने वाली है जो पहले से जिनके लिए कई तरह के फरमान भी अभी हाल ही के बैठकों में हुए हैं जब अमित शाह के साथ सीएम वसुंधरा राजे मुलाकात करेंगी संभावित है कि शाम 7:30 बजे के बाद वो अमित शाह के आवास पर जाएं बैठक होगी और जो पैनल तैयार किए गए हैं उसमें जो आखिरी सलाह मशवरा है वो जरूर क्योंकि अमित शाह ने आखिरी जब 1 नवंबर को बैठक हुई थी तो एक फीडबैक दिया था एक सलाह दी थी कि दोबारा जाइए दोबारा थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और पैनल पे और रिसर्च करके वापस लाइए तो अब क्या वो पैनल अमित शाह के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तैयार हो चुका है
लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इतिहास अभी जो हाल ही में जिस तरीके से वितरण हुआ है, नाम अनाउंस हुए हैं, उसमें यही देखा गया है कि कोर ग्रुप ने जो तय किया था, मुख्यमंत्री ने जो तय किया था, उसमें दिल्ली की सलाह मशवरा के साथ उसे सीईसी के सामने रखा और सीईसी ने उस पर मोहर लगा दी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मसला, क्योंकि राजस्थान में मसला जो है वो थोड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दूसरा है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी और ये तमाम चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और राजस्थान में कितनी टिकट कटती है एमएलए की, सिटिंग एमएलए की या मंत्रियों की, या उनकी जगह बदली जाती है। हालांकि जगह बदलने के लिए सीएम वसुंधरा राजे पहले ही मना कर चुकी है, लेकिन क्या कुछ होता है वो आज रात के 8 बजे तक तय हो जाएगा और कल इस पे मोहर लगेगी, जिसमें प्रधानमंत्री और सीईसी के तमाम सदस्य होंगे। और परसों सुबह तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 से 70 लोगों की लिस्ट जो है फाइनल कर दी जाएगी और उसे ऐलान कर दिया जाएगा। पहली सूची जल्द परसों तक जारी हो जाएगी, जैसा आप लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो आज आपने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पर भी टिकटार्थियों का तांता लगा रहा, बहुत सारे लोग अभी भी पूरी कोशिश में थे, तो आज वहाँ पर क्या माहौल था? ना सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत, पर जाहिर तौर पर आपने इनका नाम लिया है, आज हम सुबह वहां पे गए थे। अभी भी जो है रेज्यूमेस और तमाम चीजें देने का दौर अभी भी चालू है, अभी भी लोग कन्विंस कर रहे हैं और अभी भी तमाम चीजें हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा अर्जुन राम मेघवाल हुए, प्रभारी अविनाश राय खन्ना से लगातार लोग मिलने आ रहे हैं, और जिस तरीके से पूरा कोर ग्रुप उठकर दिल्ली आया है, सारे टिकटार्थी उम्मीदवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर का आवास से लेकर अर्जुन राम मेघवाल, तमाम उन लोगों के घरों के बाहर इनके तांता लगे हुए हैं, और अभी भी बायोडेटा देने वालों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। हालांकि अब वो पैनल तैयार हो चुका है, आखिरी दौर का पैनल है, लेकिन अभी तक ये देखा गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, कांग्रेस में पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही टिकटों का, टिकटार्थियों का मेला देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी अब इस आखिरी 48 घंटे में दिल्ली पहुंची है, और ऐसे में अब किसकी किस्मत खुलती है, किसके नाम पे मोहर लगती है, या एंड टाइम पे किसका नाम इसमें डाला जाता है, ये दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि किसकी सरकार आती है या किसकी सरकार बनती दिख रही है, वो टिकट वितरण पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और इसीलिए शायद कांग्रेस और बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाए रखें, और अब आपने बताया था कि जिको आखिरी पड़ाव है एक तरह रो, जिन मायने पूरी जो महामंथन चाल रहे बीजेपी तरफ हूँ, और इन्हें 48 घंटा में पहली सूची आ सके है। जैसलमेर रहे झबला गांव रे कने एक गाड़ी पलट गई, जिनसू 8 जना घायल हो गया। बताया जा रही है कि ड्राइवर ने नींद में झपकी आई गई, जिनसू गाड़ी बेकाबू हो गई। जानकारी रे मुताबिक आ सैलानी जैसलमेर घूमन वास्ते जा रहा हा, बटे सगला घायला ने एम्बुलेंस री मदद सू अस्पताल पुगायो गयो, जटे घायला रो इलाज चल रहो है। हालांकि सगला सैलानी अबे खतरे सू बारे है। प्रतापगढ़ में लाड़ली रात राष्ट्रीय राजमार्ग 113 माथे जिला चिकित्सालय रे सामी एक तेज गति से चल रही कार बाइक ने बचावन की कोशिश रे मायने आपरो संतुलन खो दिनो और पुल सू नीचे 15 फीट गहरी खाई माए पड़ गई। समाचार मिलिया पाछे मौका माते पहुंची पुलिस ने कार चालक ने सुरक्षित बाहर निकाल और रख दियो, कार चालक नशे माए धुत हो। प्रतापगढ़ से यहाँ खबर। दौसा जिले रे आबानेरी माय चांद बावड़ी रे कने दो थड़िया सेती चार दुकाना माय आग लागन री घटना सामने आई है। लारी चपेट में आवन सु 3 सिलेंडर भी फट गया। सिलेंडर माय विया धमाका सु आगती पागती रे इलाका माय हड़कंप मच गयो। दमकल री गाड़ियां कड़ी मशक्कत रे पाछे लाय माथे काबू पायो। लाय लागन रो कारण शॉर्ट सर्किट बतायो जा रियो है। अगली खबर टोंक सू। टोंक रे कबाड़ी बाजार से प्लास्टिक गोदाम रे माय अचानक लाय लागी, देखता ही देखता लाय ने विकराल रूप धारण कर लियो, जिनसू लायरी लपटा सू लोगारी सांस फूलन लागी। हालांकि घड़ी मशक्कत रे पाछे लाय माथे काबू पा लियो गयो, पर तब तक गोदाम माय रखियोड़ो सामान बल ने खाक वही गयो, बटे लायरी सूचना मिलता ही मौके माथे पुगी पुलिस ने घटना रो जायजो लीनो। हालांकि लाय सू किनी आहत होने खबर नहीं मिली है।
अगली खबर झालावाड़ सू। झालावाड़ घाटोली थाना माए लाड़ा दिना में तस्करी रे मामले ने घाटोली थानेदार और कांस्टेबल मिल ने स्मैक री मोटी खपत रो मामलो ही रफा करवा दियो। पूरो मामलो 21 अक्टूबर रो है जठे घाटोली पुलिस कार्रवाई करता थका 5 किलो स्मैक बरामद कीनी ही और मामले ने रफा दफा करने 2 किलो 400 ग्राम रो केस बनायो और एक आरोपी ने गिरफ्तार भी किना जठे 2.5 किलो स्मैक गायब कर देनी जिनकी कीमत 2 करोड़ सू बत्ती बताई जा रही है। जांच में पतो चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गयो। पुलिस कर्मियों रे माथे गाज गिरी। एक पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर लेनो है और 2 पुलिसकर्मी पर इन मामले में गिरफ्तार वे गया है। डूंगरपुर रे अंतरसोभा गांव में आए लोकाचार में गया 40 सू ज्यादा टाबरा ने भोजन रे दौरान फूड पॉइजनिंग भी गई। टाबरा ने उल्टिया होने की शिकायत पाछे जिला अस्पताल में आए भर्ती कराए गयो। जानकारी रे मुताबिक अंतरसोभा गांव में आए हाजा मिनारी मौत माथे गया लोकाचार कार्यक्रम में कई परिवार रे टाबरा ने पास एक ही गाँव कनबासू मंगाई नमकीन खाई ही। नमकीन खावा पाछे टाबरा री तबियत बिगड़ गई जिनरे पाछे परिजना ने पहला टाबरा ने कनबा पीएससी पुगाया जटे डॉक्टर ने नी होने कारण नर्सिंग स्टाफ उन्हें डूंगरपुर रेफर कर देना। बट ये मामला की जानकारी मिलता ही पुलिस भी मौका माथे पुगी। अब टाबरा रो इलाज चल रहे है। अलवर रे सिकंदरा मेगा हाईवे माथे स्थित ढिगावड़ा गांव रे बन्ने सिंह री ढाणी कने कारी टक्कर वेगी। जिनसु बाइक माते सवार मामा और भांजी गंभीर रूप से घायल भई गया जटे पहला इलाज रे पाछे दोनों ही घायला ने अलवर रेफर कर दियो गयो। ढिगावड़ा रे बन्ने सिंह ढाणी निवासी मनोज सिंह बतायो कि वाणा सालार बेटी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र रे बड़ोली गांव सु बन्ने सिंह ढाणी आ रहा जटे रास्ता में राजगढ़ की तरफ सु तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक टक्कर मार देनी जिनसु वाणा सालार बेटी बुरी तरह घायल भई गया। सूचना रे पाछे मौका माते पुगी पुलिस ने घटना री जानकारी लीनी बटे आरोपी चालक दुर्घटना पाछे मौके सु फरार भई गयो। पर आबारी बता दा आपने अब तक री महताऊ खबर प्रकाश जावड़ेकर रे आवास माते चाल री बैठक खत्म वेगी है। ओम माथुर गुलाबचंद कटारिया होया रवाना। प्रकाश जावड़ेकर रे घरेज की बैठक चल रही बीजेपी री महताऊ बैठक ही जिन्हें बाद में इन्हें कई फैसला हो सके लिस्ट जारी वे सके वह बैठक अब खत्म होगी है। ब्रेकिंग है अबारी अबारी महताऊ खबर मोटी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज माते सबसे पहली आ बैठक चल रही प्रकाश जावड़ेकर रे घर में जिनमें सीएम वसुंधरा राजे रे सहती मोटा नेता मौजूद हा और टिकटा रे बंटवारे माथे महामंथन चल रहे हो। इतना दिनारी मशक्कत जकी ही पर बैठक रे बाद में अब लिस्ट रूप में सामे आवेली ओम माथुर और गुलाबचंद कटारिया इन बैठक रे बाद में रवाना भी आए वठू। प्रकाश जावड़ेकर रे घरे चाल जकी आ बैठक अबार खत्म हो गई है। अबारी मोटी खबर और महताऊ खबर टिकटा रे सारू आ बैठक वेरी थी महामंथन वेरियो थो जगह जगह लोग नियुक्त कराया गया था वे आपरी रिपोर्ट लान देनी इन बैठक रे मायने चर्चा वेई सगला कैंडिडेट रे नाम माते चर्चा हुई जिका उम्मीदवार हा वे आपरो बायोडेटा देना विन बाद में वाणी जांच पड़ताल कीनी गई और अब आज की मुख्य बैठक ही मोटी बैठक ही इन मायने सगली बातारो निष्कर्ष निकालियो गयो है। अबे काई निकलियो है निष्कर्ष इनो वो नो जिको फैसलो कुछ टाइम बाद अपने पतो पड़ जासी। पर अबारी बड़ी खबर आ है के वा बैठक खत्म वेगी है। अबारी बैठक आज री जकी बैठक है इन बाद में अमित शाह रे सागे एक और बैठक होसी बिन बाद में ने पहली लिस्ट जारी होनी उम्मीद जता रही हां। फर्स्ट इंडिया न्यूज माते सबसे पहला आप ताई आ खबर है प्रकाश जावड़ेकर रे घरे चाल री बैठक फिलहाल खत्म वेगी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार इन बैठक में हिस्सो लियो हो। बैठक के बीच में जब लंच माते निकलिया हाथ में मजाक करता कहे हो के लंच माते जारी इन बैठक रे सारू और ज्यादा जानकारी लेवन सारू आपा सीधो रुक करा दिल्ली रो जठे जुड़ गया है आशीष चतुर्वेदी जी माका संवाददाता। आशीष बताएं अब तक की ताजा न्यूज क्या है।
देखिए यदि ताजा न्यूज की बात करें तो आज लगभग सभी सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो लगभग तय कर लिए जाएंगे, क्योंकि एक ये मैराथन बैठक इसको कह सकते हैं वो यहाँ पर दिल्ली में हो रही है। अभी प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ पर सभी हैं, हालांकि ये बैठक खत्म भी हो गई है क्योंकि गुलाब चंद कटारिया और ओम माथुर यहाँ से प्रकाश जावड़ेकर के आवास से निकल गए हैं। इसके बाद ये सब लोग 6 बजे के लगभग अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर जाएंगे, वहां उनकी बैठक होगी, मीटिंग होगी और फिर मंथन होगा कि जो उम्मीदवार हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनको उन पर चर्चा होगी और उन्हीं को फाइनल किया जाएगा जो पार्टी को जिता सके। जी आशीष, अभी जो बैठक चल रही थी उसके बाद अब शाम को एक और बैठक होगी अमित शाह के घर पर, उसके बाद भी एक बैठक प्रस्तावित है, तो क्या माना जाए कि ये जो शाम की बैठक होगी उसके बाद बहुत कुछ फैसला हो सकता है? देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये मैराथन बैठक है, मैराथन बैठक के जो प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ चल रही है अभी से, उसके बाद में फिर अमित शाह के यहाँ पे चलेगी, फिर उसके बाद में रहेगा, तो ये जो पूरी बैठक का दौर जो चल रहा है दिल्ली में इसी बात को लेकर चल रहा है, जो टिकट जो बांटी जाए वो जिताऊ उम्मीदवार जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हीं को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं का नाम तय किया जाएगा और बहुत जल्दी ही ये सभी सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी तय कर लेगी। जी आशीष, और जिस तरह से बैठक की ये दौर चल रहा है उसके साथ ही जो लिस्ट में संभावित उम्मीदवार है उनका भी जमावड़ा देखा जा रहा है इस बैठक के आसपास बड़े नेताओं के घर के पास, तो क्या इस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए संभावित यदि जो मैं बात करूं आपको प्रत्याशियों की बात जो मैं करूं तो वो कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी को उम्मीद है टिकट मिलने की है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़े लीडर से भी वो सभी मिल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के टिकटार्थी हों चाहे वो बीजेपी के टिकटार्थी हों, क्योंकि सबको पता है कि अब ये लिस्ट निकलने वाली है, लिस्ट आने वाली है, इसीलिए ये जो फाइनल पोजीशन पर जो आ गया है अब ये कहते हैं चुनावी रण जो आ गया है तो उसमें कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। जी जी आशीष, और जैसा आपने कहा मैराथन बैठक चल रही है, शाम को एक बार और बैठक होगी, उसके बाद जो अंतिम माना जाए उसे अंतिम बैठक होगी, उसके बाद लगभग 50 या 70 लोगों का नाम आ सकता है लिस्ट में, लगभग कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं पर उन्हीं के नाम तय हुए हैं अभी, लेकिन उतने नाम के अलावा जो बाकी की जो नाम है उनको लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि जो बाकी बचे हुए नाम है उनको जो फाइनल करना है, क्योंकि ये जो 200 कैंडिडेट हैं, 200 जो कैंडिडेट हैं उनको फाइनल करना है उनको, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये लंबी बैठक चल रही है, कुछ प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं लेकिन जो बचे हुए हैं उन पर भी मंथन चल रहा है, जल्द ही वो भी फाइनल कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जितने प्रत्याशी थे एक फॉर्मूले की बात की जा रही थी दोनों पार्टी को लेकर, तो आशीष क्या लगता है कि इस बार कोई फॉर्मूला रखा गया होगा या फिर सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही केंद्र मानकर ये सब तय किया गया होगा? देखिए यदि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तय जरूर किया गया है, लेकिन दोनों ही पार्टी की यदि बात करूं मैं बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों ही जब जिताऊ कैंडिडेट जो होगा उसमें जो उनके मानक जो तय किए गए हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को ही चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो उन दोनों को ही जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और जो जीतने वाला व्यक्ति जो होगा उसमें कोई भी मानक एप्लीकेबल नहीं होगा और उसी को टिकट देगी जो पार्टी जीतेगी। जी जीता उम्मीदवारी जीता चुना जाएगा। आशीष चतुर्वेदी जी थे हमारे साथ, आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अबारी मोटी खबर आ है कि जो कि प्रकाश जावड़ेकर के घर जी बैठक चल रही है वह खत्म हो गई है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति रा अध्यक्ष हरीश चौधरी रो वीडियो वायरल हो रही है। इन वीडियो माए हनुमान बेनीवाल रा समर्थकों की तरफ सु कबड्डी प्रतियोगिता रे दौरान हरीश चौधरी रे खिलाफ नारेबाजी कीनी। इन बीच हरीश चौधरी वारे कने पुगा और कहो के दूजारी जगह खुद ने जिंदाबाद करो। अबे बात करा कांग्रेस तो राजस्थान में कांग्रेस री पहली लिस्ट में थे। दिल्ली माए लगातार मंथन चल रहे है। आज नवी दिल्ली माए कांग्रेस रे वार रूम 15 जीआरजी माए स्क्रीनिंग कमेटी टिकटारो फाइनल रूप दे रही है। इन बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी री चेयरपर्सन कुमारी शैलजा, प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सेती शाकिर सनादी मौजूद रहा। बठी दिल्ली सु बारे होंडे चालते अशोक गहलोत इन बैठक में शिरकत नहीं कर पाया। थाने बता देवा के काले कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति री बैठक हुएली जिन माए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नामा माथे मुहर लगावेला।
समय आ गया है और आज हमारी सदस्य लेकर आज चर्चा करेंगे और बड़े अच्छे माहौल में सरल भाव से और सबको साथ लेकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारी टिकटॉक लिस्ट फाइनल हो जाएगी। सर कब तक उम्मीद की जाए पहली लिस्ट? दिवाली आज मीटिंग है और मुझे लगता है कि अगले एक दो दिन में हम लोग अपना रात को भी 3 बजे तक। हम तो रात को 3 बजे तक नहीं उठे हुए थे लेकिन हमारी मीटिंग आज है 11 बजे और मुझे लगता है आज एक अच्छे माहौल में सब नेताओं से फीडबैक लेने के बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। कितने बजे होगी सर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगा? अब देखिए आज चलो 11 बजे चालू होगी। नीति ने कहा 12 को सीएससी और 13 को 100 से ज्यादा हम कोशिश करेंगे पहली लिस्ट। हमारी कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आम राय बनाकर सिंगल नाम दें ताकि कांग्रेस अध्यक्ष और सीसी को आसानी हो अपना निर्णय लेने में। लेकिन बहुत अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है, सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं और पार्टी की यही ताकत। इस बार विधानसभा चुनाव ने लेर ने निर्वाचन आयोग मतदाताओं ने जागरूक करण वास्ते अलग अलग तरिया सू अभियान चला रहा है। बटी सरदार शहर मीणा रे कुए माथे छोटा छोटा टाबरा भी मतदाता ने जागरूक करण खातर एक लूठी मुहिम चलाई है जटे टाबरा खुद मतदाता जागरूकता रो पोस्टर बना रहे दीवार माथे चिपका रहा है और गलियां माए रंगोली बनाए ने भी मतदान करण रो संदेश दे रहा है। थाने बता देवा कि इन टाबरा रो कहनो है कि एक वोट भी घणो कीमती है। इतो ही नहीं इन टाबरा रो कहना है कि सगला लोगा ने बिना कई लालच रे मतदान करनो चाहिए। मैं जाना हाँ कि मारी उम्र मतदान करन री कोनी है पण माने ओ पतो है कि मतदान की कीमत काई होवे है और ई खातर मां मतदान खातर जागरूक करन रो लूठो तरीको अपनायो हाँ। आगे टाबरा कहो कि मैं सगला सु निवेदन करा हाँ कि आने वाले 7 दिसंबर ने मतदान जरूर करनो है। आ टाबरा सु खास बातचीत की मारा संवाददाता गजेंद्र सिंह। आज री खबर राजस्थान रे माए इतो ही काले फेरू इड़ी समय मिलसिया जब तक दिराओ इजाजत हम आगणी सा।